hello everyone hoping you all are fine and safe at your home i welcome you all in this session so this is the very first class of english today i am going to read a lesson from footprints without feet this is your textbook and this is the lesson number 1 a triumph of surgery written by james herriot james herriot is an animal doctor he's an uh, he's a and uh, is an animal doctor that means a veterinary surgeon who does the treatment of the animals and he is a very renowned author also so he gained the experience from his patients and he write down the uh, his ex personal experience in the form of stories clear so yahapur ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी मीन्स ट्राइम्फ मीन्स विक्ट्री सर्जरी सर्जरी मीन्स ऑपरेशन कोई ऑपरेट करना तो यहां पर विक्ट्री uh, हुई है सर्जरी की यहां पर सर्जरी मीन्स है कि वो प्लेस वेयर जेम्स हैरियड डज द ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल्स जहां पर वो एनिमल्स का ट्रीटमेंट करते हैं ओके okay? उस प्लेस को सर्जरी कहा गया दैट मीन्स जेम्स हेरियड का क्लिनिक ओके okay? तो बेसिकली दिस स्टोरी इज अबाउट डॉग ट्रिकी एंड हिज अफ्लुएंट मिस्ट्रेस मिसिस पम्फ्री ये एक स्टोरी जो है ट्रिकी है डॉग उसकी और उसकी जो रिच मिस्ट्रेस है मिसिस पम्फ्री उसके बारे में सो लेट्स रीड इट ट्रिकी अ स्मॉल डॉग is pampered and overfed by his rich mistress, he falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. Does he perform an operation? Does the dog recover? तो इस story में बताया गया कि tricky एक छोटा सा dog है जिसको बहुत ही pamper किया जाता है, लाड प्यार किया जाता है and overfed यानी बहुत ज़्यादा खाना खिलाया जाता है। उसकी जो बहुत अमीर मिस्ट्रेस होती है उसके द्वारा कि फॉल सीरियसली जिससे बहुत वो बीमार हो जाता है और उसकी जो मिस्ट्रेस है फिर वो वेटनरी सर्जन से कंसल्ट करती है तो डज तो ही परफॉर्म एन ऑपरेशन क्या जो वेटनरी सर्जन होते हैं वो उसको ऑपरेशन करते हैं डज द डॉग रिकवर क्या वो ठीक हो जाता है रिकवर हो जाता है लेट्स रीड I was really worried about ट्रिकी this time. I mostly ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है एक्सट्रेक्ट्स में I कौन है यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं सच में बहुत चिंतित हुआ इस बार ट्रिकी को देख कर आए यहाँ पर है जेम्स हेरियोट जो वेटनरी सर्जन है आई वो खुद राइटर हैं वो ऑथर खुद लिख रहे हैं यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि मैं ट्रिकी को देख के इस बार बहुत ही चिंतित हुआ आई हैड पुल्ड अप माई कार मैंने अपनी कार रोकी वैन ई साहिम जब मैंने उसको गली में देखा इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस अपनी मिस्ट्रेस के साथ आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपियरेंस अब यहां पर भी एक क्वेश्चन आता है अपियरेंस को लेके टू मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार आ रहा है कि ट्रिकी की अपियरेंस कैसी थी क्यों शॉक हो गए जेम्स सॉरी ही हैड बिकम ह्यूजली फैट बहुत मोटा हो गया था वो ब्लॉटेड like सोसेज जैसे कोई ब्लॉटेड माने फूला हुआ फूला हुआ हो, कोई कबाब हो विच कॉर्नर जिसके हर एक कोने से एक टांग निकल रही है His eyes, bloodshot and rumi, उसकी आंखें खून की तरह लाल थी एंड र्यूमी र्यूमी क्या होता है वॉटर इज डिस्चार्ज होता है जो आंखों से या नोज से मोस्टली पानी निकलता रहता है तो यानी उसकी आंखें लाल थी और उससे लगातार पानी बह रहा था मतलब तक टकटकी लगा के देखना एक जगह घूरना वो सीधे ही एक टक लगा के घूर रहा था एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉस और उसके जबड़ों से उसकी जो जीप थी वो लटक रही थी लोल्ड मैंने लटक रही थी ओके मिसिस पंफरी हेस्टेन टू एक्सप्लेन तो मिसिस पम्फ्री जैसे ही उन्होंने मिस्टर हैरियट को देखा वो जल्दी जल्दी उनको एक्सप्लेन करने लगी ही वॉज सो लिस्टलेस लिस्टलेस मीन्स विदाउट एनर्जी लिस्टलेस मीन्स विदाउट एनर्जी ओके ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट वो कहती हैं कि ये बहुत ही लिस्टलेस है लेजी है कोई एनर्जी नहीं है इसमें मिस्टर हैरियट ही सीम टू हैव नो एनर्जी इसमें कोई भी एनर्जी नहीं है आई थोट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन मुझे लगता है कि इसको माल न्यूट्रिशन हो गया माल न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है लैक ऑफ न्यूट्रिशस इन्ग्रीडियट्स जो भी पोषक तत्वों की कमी हो गई है लाइक like इसमें प्रोटीन की शॉर्टेज कैल्शियम की इस तरह की शॉर्टेज होगी डेफिशेंसी होगी है सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज तो मैं मुझे लगा कि मुझे इसको कुछ और खाने के लिए ज़्यादा देना चाहिए बिटवीन मील्स यानी जो उसका खाने का टाइम है वो तो है उसके अलावा कुछ इसको बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा देना चाहिए टू बिल्ड हिम अप ताकि इसको ताकत बने तो सम माल्ट अब वो क्या क्या देती है माल्ट लिवर ऑयल ये फिश का नेम है ये ग्रेन है ठीक है कॉड जो है वो फिश का नेम है लिवर ऑयल देती है एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स और क्या देती है बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट रात को टू मेक हिम स्लीप नथिंग मच रियली तो उनको बोलती है कि और कुछ ज़्यादा नहीं देती हूँ बस इतना सा ही देती हूँ ताकि वो आराम से सो सके और ये कुछ ज़्यादा तो नहीं है एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स आई एज आई टोल्ड यू तो इस पर जो मिस्टर हैरियट होते हैं वो उनको बोलते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इसका मीठा बंद करो क्या आपने किया ओ आई डिट फोरअबिट वो कहते हैं हाँ हाँ मैंने बिट मैंने थोड़ा सा स्लाइटली किया था बट ही सीम्ड टू बी सो वीक लेकिन मुझे बहुत कमज़ोर लगने लग गया आई हैड टू रिलेंट जिससे मुझे आ, मतलब कि बहुत ही आ, अपना ये डिसीजन जो सख्त डिसीजन था छोड़ना पड़ा नरम पड़ गई मैं ही डज लव क्रीम केक्स क्योंकि उसको क्रीम केक बहुत पसंद है और चॉकलेट्स भी बहुत पसंद है आई कॉन्ट बियर टू रिफ्यूज हिम तो मैं उसको इनकार नहीं कर सकती ओके आई लुकड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग फिर मैंने उस छोटे से डॉगी को दोबारा से देखा अब यहां पर अगेन आय आए कौन है मिस्टर हैरियट ऑथर हैं। ओके फिर मैंने उसको दोबारा से देखा दैट वॉज द ट्रबल वो मुसीबत में था क्योंकि डॉक्टर को समझ आ जाता है कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है ट्रिकी इज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड ट्रिकी का सिर्फ एक ही फॉल्ट था एक ही कसूर था कि बहुत ग्रीडी था लालची था ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड खाने को कभी भी ना नहीं करता था वो ही वुड टेकल अ मील एट एनी आर ऑफ द डे जब कभी भी उसको कुछ भी खाने के लिए दे दो वो उसको खाने के लिए रेडी रहता था डे और नाइट चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो कभी भी दे दो वो खा लेता था And I wondered about all the things Mrs. pomfrey hadn't mentioned. और कहते कि ये सारी चीजों के बारे में सोचता रहा जो Mrs. pomfrey ने उनको नहीं बताई थी फिर Are you giving him plenty of exercise? फिर वो मिस्टर Harriet पूछते हैं क्या मैं आपने इसको जैसे मैंने कहा था इसको एक्सरसाइज करवाया करो क्या आपने करवाई वेल well, ही हैज हेज लिटिल वॉक विद मी एज यू कैन सी तो कहते जैसे कि आप देख ही रहे हो कि थोड़ा बहुत मेरे साथ छोटी सी वॉक तो चलता है बट हॉजकिंग सेकेंड करेक्टर इसमें आया हॉजकिंग कौन है गार्डनर इसी तरह वन टाइप वन मार्क के क्वेश्चन आपको एमसी क्यू में आएंगे हॉजकिंग जो है उसका गार्डनर हैज बीन डाउन लम्ब विद लंबेगो लंबेगो इज अ डिजीज मस्कुलर पेन होती है जो कि मेरा जो गार्डनर है हजकिन उसके जो मस्कुलर पेन हो रही है लंबेगो जो डिजीज है तो इसलिए आजकल वो रिंग थ्रोइंग जो है वो नहीं खेल पा रहा है उसके साथ ओके नेक्स्ट आई ट्राई टू साउंड सेवेयर Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. तो वो कहते हैं आई ट्राई टू साउंड स्वेयर वट इज़ द मीनिंग ऑफ साउंड स्वेयर मतलब मैंने आपको बहुत ही सख्त बहुत ही सख्त कहा था कि आप कोशिश करना स्ट्रिक्ट करना जो भी करना और मैं सच में अब ये कह रहा हूँ कि अगर आपने इसका अभी खाना कम नहीं किया और इसको अच्छी तरह एक्सरसाइज नहीं करवाई तो ये बहुत जल्दी बीमार हो जाएगा यू मस्ट हार्डन योर हार्ट आपको आपका दिल सख्त करना ही पड़ेगा एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्टिक डाइट और इसका भोजन में भी सख्ताई बरतनी पड़ेगी मतलब इसका खाना कम करो जैसा मैंने कहा इसको एक्सरसाइज भी करवाओ मिसेस पम्फ्री रंग हर हैंड्स तो वो अपने हाथ ऐसे मलने लगी ओ आई विल मिस्टर हैरियट आई एम श्योर यू आर राइट तो कहते हैं हाँ मैं करूँगी मुझे पता है कि आप बिल्कुल ठीक हो बट इट इज सो डिफिकल्ट सो वेरी डिफिकल्ट लेकिन ये मुश्किल है बहुत ज़्यादा मुश्किल है शी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइम इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली